सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल इब्राहिम हैदरी में डॉक्टर हूँ। यहाँ हम डॉक्टरों का एक ही मुतालबा है और वो बिल्कुल जायज़ है। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर की जाएँ, प्रमोशंस के मसले हल किए जाएँ। 17-17 साल 20-20 साल हो जाते हैं, प्रमोशंस नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्टर्स रेगुलर किए जाएँ, डॉक्टर्स के सारे मसाइल हल किए जाएँ। हम रोज़ ये बायकॉट ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट हमें रिटर्न में एश्योरेंस दे, कोई समरी दे, कोई नोटिफिकेशन दे। हमें एहतजाज का कोई शौक नहीं, जब तक वो नहीं देती हमारा एहतजाज जारी रहेगा। यूनिटी यूनिटी विक्ट्री विक्ट्री सिंध डॉक्टर जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद, यूनिटी यूनिटी विक्ट्री विक्ट्री। अच्छा आपने जो ये हड़ताल किया है, बायकॉट किया है, इसके बारे में बताएंगे? अबे लाइव चल रहा है जी डॉक्टर। नहीं, हमारे मुतालबात हैं कि पंजाब में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, तो सिंध में भी बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पंजाब सूबे सरहद के लिए नहीं है, उनके मुतालबात सिंध के भी हैं। सिंध के डॉक्टर भी यही चाह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें सूबे सरहद की तरह, सूबे पंजाब की तरह बढ़ानी चाहिए और डॉक्टर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। ये हमारे मुतालबात हैं डॉक्टर। ये मरीज हमारे जो परेशान इलाके के, हमने उनके लिए इमरजेंसी पूरी खोली हुई है, उसमें हमारे 4 से 5 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। हमने किसी की भी इमरजेंसी रोकी नहीं हुई है, जिसको भी इमरजेंसी होगी हम उसको इमरजेंसी में ट्रीट करेंगे। जो भी इमरजेंसी वो इमरजेंसी हमारे सामने इमरजेंसी चल रही है।